आप लोगों से बात करना भी निर्धारित था, मगर आज दिल्ली के परिणाम आए हैं तो प्रेस वार्ता की शुरुआत में सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एमसीडी के तीनों महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। मित्रों, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज बंगाल में मैं 3 दिन के दौरे पर हूं। कल उत्तर बंगाल के नक्सलबारी में बूथ नंबर 93 पर मेरा प्रवास पार्टी की ओर से रखा गया था। ये मेरा जो प्रवास है वो दीनदयाल जन्म शताब्दी के विस्तारक योजना के तहत रखा गया है।